हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं अमिता, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। अभी आम का सीजन है तो आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं एक स्वीट डेजर्ट, जिसे हम ये साबूदाना से बनाएंगे। ये साबूदाना हमने आधे घंटे के लिए भिंगा दिया था, उसके बाद हमने इसको छन्नी में छान दिया था। कुछ इस प्रकार आप देख पा रहे हैं, इसके पानी बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल ड्राइनेस हो चुकी है। ताकि हम इसको इस तरह करना है ताकि हम इसको अच्छी तरीके से इसे फ्राई मतलब भून सकें। इसके लिए हमने लिया है, ये आम का डेजर्ट है तो आम के लिए इसको मिक्सी में हमने दो आम तकरीबन पीस लिए हैं, और कुछ ड्राई फ्रूट, किशमिश, बादाम, काजू और ये पिस्ता। आप और चीज़ डालना चाहते हैं तो उसमें कोई इशू नहीं है, आप अपनी मनपसंद से आप ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। कुछ हमने फ्रूट लिए हैं जो है गार्निश में काम आएगा। यह है पोमग्रेनेट जिसे अनार कहते हैं, और यह है बनाना जिसे केला कहते हैं, और ये है मैंगो जिसे हम आम का, ये हमारा डेकोरेट में जाएगा। और हमने कुछ लिया है, कम लिए हैं शुगर पाउडर, इसलिए कि आम भी मीठा है। आप अगर ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो आप डाल सकते हैं। और मुझे थोड़ी सी चाहिए इलायची पाउडर। चलिए तो हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसे घी में फ्राई करेंगे। हमने लिया है कढ़ाई हमारा गर्म हो चुका है। हमने 2 चम्मच घी डालना है। घी हमारा गर्म हो चुका है, हम इसमें साबूदाना डाल देंगे जो हमने सोक करके रखा है। इसे हल्का फ्राई करना है, बिल्कुल लाल नहीं करना है। चलिए हम बताते हैं आपको फ्राई करके। देखिए इस तरह हमको फ्राई करना है, ज़्यादा नहीं करना ताकि ये ट्रांसपेरेंट दिखने लगे। अब हमको इसमें ये हमने एक कप से दूध तकरीबन डालते हैं, जितना आवश्यकता अनुसार लगे ताकि ये आसानी से पक जाए। जितना लगेगा बाद में डालेंगे। आप देख रहे हैं इतना बचा ही लिया मैंने, बाद में लगेगा तो देंगे। चलिए इसे चलाते रहना ताकि इसमें लम्ब्स ना पड़े। ये देखिए गाइस, ये लगभग ऑलमोस्ट पक गया। कैसे पता लगेगा आपको कि पक गया? ये सारे साबूदानों जो है हमारा बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होने लगे हैं, देखिए इस तरह के, और खिले खिले इसलिए हैं क्योंकि हमने पहले पानी से इसे सोख करके निकाल दिया था। इसमें पानी का बिल्कुल अंश नहीं है और उसको हमने घी में फ्राई किया, इसलिए खिले खिले दाना हो गया। अब हम इसमें दूध हमारा उतना ही लगा था, जो बचा हुआ था बचा ही रह गया। अब हम इसमें इलायची पाउडर डालेंगे, उसके बाद शुगर पाउडर डालेंगे, सभी को अच्छी तरीके से मिला लिया है। हमने पका लिया इसको। अब हम गैस की फ्लेम जो है लो करके अब हम इसमें मैंगो डालेंगे, पीस के रखा है। मैंगो डालने के बाद गैस को आपको ऑफ कर देना है, उसके बाद हम इसको फ्रीज में डालेंगे थोड़ी देर के लिए, ठंडी होने देंगे। चलिए हम इसको फ्रीज में डालते हैं, फिर ठंडा होने के बाद बत्ता सर्व करते हैं। ये देखिए हमारा ये ठंडा हो चुका है, ये देख रहे हैं इस प्रकार। चलिए अब हम इसे कुछ ड्राई फ्रूट से गार्निश कर लेते हैं, मनपसंद। थोड़ी सी काजू, थोड़ी सी पिस्ता, और थोड़ी सी अनार के दाने। आप सोच रहे होंगे ये कस्टर्ड तो नहीं है, देखने में तो कस्टर्ड जैसा लग रहा है लेकिन कस्टर्ड है नहीं, ये सिर्फ बनाना। आप इसमें मनपसंद फ्रूट डाल सकते हैं, और ये हमारा मैंगो। मजेदार चीज, एक हिंदी में कहावत है गाइज, जो दिखता है वो होता नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब ये कहावत अभी अप्लाई कर रही हूँ। देखने में भले कस्टर्ड जैसा लगता है बट कस्टर्ड है नहीं, क्योंकि हमने कस्टर्ड पाउडर का इसमें कोई फ्लेवर नहीं डाला। तो चलिए हम डालेंगे थोड़ी सी साबुत मखाना। तो लीजिए ठंडी ठंडी
मैंगो डेजर्ट का एहसास आप भी लीजिए और मेरे द्वारा बनाया हुआ रूल को फॉलो करके आप भी बनाइए जब भी कुछ मीठा डेजर्ट खाने का मन होता है। तो आई होप कि मेरी छोटी सी वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर मेरी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। जो वीडियो मेरा पसंद ज़्यादा लगे उस कमेंट करके बताएं कि कौन सा वीडियो आप देखना पसंद करते हैं। और हाँ, साथ में बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मस्त रहें, स्वस्थ रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।